खबर है मुंगेर के असरगंज से, जहां रविवार की देर शाम असरगंज थाना क्षेत्र के चौरगांव निवासी एक शिक्षक सुबोध सिंह को नशे में धुत एक बदमाश ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस पूरी घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। शिक्षक को गोली बाएं हाथ में लगी है, यह हमें जानकारी प्राप्त हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया। जख्मी शिक्षक सुबोध सिंह मध्य विद्यालय चौरगांव में पदस्थापित है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके पास से एक देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार जख्मी सुबोध सिंह रविवार की शाम पैक्स में धान तौल चोरगांव गए थे। इसी बीच गांव के ही रामलगन बिंद का दमाद शराब के नशे में आया और सुबोध सिंह पर गोली चला दी। गोली उनके बाएं हाथ में लगी, जिससे यह पूरी वारदात हुई है। देखिए घायल शिक्षक का क्या कहना था पूरे घटनाक्रम को लेकर। संवाददाता राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मैं सुबोध कुमार सिंह, मैं पैक्स अध्यक्ष श्री कृष्ण मेनन के दरवाजे पर पैक्स के गोदाम में अपना धान तौला रहे थे, और धान तौलाने के क्रम में जो है कि हम लिखते जा रहे थे, धान तौला रहे थे, उसी क्रम में जो है कि वहां पर गोलियां चली, लोग तौल रहे थे, मेरा भी धान उतर चुका था, उसी क्रम में जो है कि एक गोलियां चली जो पश्चिम की तरफ से मुझे जो है कि बाह को मैं झड़क के साथ निकल गई। यह गोलियां एक ही गोली चली थी और उससे जो है कि थोड़ा सा मुझे गोलियां से झड़क आई है। कितने बजे ये हुआ था? यह घटना लगभग 7:30 बजे के आसपास हुआ है। वहां पर ढेर सारे लोग मौजूद थे, धान तौला रहे थे, और उसी क्रम में वो घर गांव के तरफ से शराब पिए हुए है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह।